कोशिश करते करते कामयाब हो जाओगे, एक दिन तुम नालायक से नायाब हो जाओगे, इसलिए कोशिश को जारी रखो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 11 मार्च के करेंट अफेयर पे। और देखिए आज इस वीडियो में टोटल हम 11 करेंट अफेयर पे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अभी भी पूछाएंगे, तो आपको इन 5ों प्रश्नों का जवाब देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज करेंट अफेयर की PDF लिंक मिल जाएगी। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक करके आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करेंट अफेयर्स सेशन द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को निजी उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन हेतु युवा श्री अर्पण योजना आरंभ की गई। तो देखिए ये युवा श्री अर्पण योजना आरंभ की गई है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। और देखिए अगला था कि वर्ष 2019 का प्रिजगर पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो देखिए 2019 का जो प्रिजगर पुरस्कार है ये आपका अराता ईसो जाकी को दिया जाएगा। और देखिए अगला था कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP का नया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनका नाम है पद्मा लक्ष्मी। और देखिए परसों के करेंट अफेयर सेशन में मैंने बहुत डिटेल में इनके बारे में बताया था, तो परसों का वीडियो देख के इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और देखिए अगला था कि हाल ही में किसके द्वारा ई धरती ऐप लॉन्च किया गया। तो देखिए जो आपका ई धरती ऐप है ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसके बारे में भी आपको परसों की वीडियो में डिटेल मिल जाएगी। और देखिए अगला था कि हाल ही में किस व्यक्ति को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं औसाफ सईद। और देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। तो देखिए दुनिया की जो सबसे उम्रदराज महिला हैं इनका नाम है केन तनाका और इनकी उम्र वर्तमान में 116 साल है और ये जापान की रहने वाली हैं और अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इन्हें यानी कि दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का खिताब दिया है केन तनाका को। और देखिए खास बात है कि इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है जापान की चियो मियाको के नाम था, तो चियो मियाके जो है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 117 साल की उम्र में। तो देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, इसको आप अलग से कहीं पर नोट कर लीजिए। आपको सरल शब्दों में क्या रखना है कि जो आपकी केन तनाका है जापान की ये दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं और इनकी उम्र वर्तमान में 116 साल है। और देखिए जापान के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जापान जो है इसको हम उगते सूरज का देश कहते हैं और ये आपका ईस्ट एशिया का एक देश है। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है जापानीज येन और जापान की टोटल जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन है 12.68 करोड़ और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है शिंजो आबे। और देखिए जापान के प्रधानमंत्री का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, तो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। और देखिए जापान जो है आपका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश है और इसकी जो स्थलीय सीमाएं ये किसी भी अन्य देश के साथ नहीं लगती हैं। और देखिए दूसरा प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में कराए जाएंगे। तो देखिए जो आपका लोकसभा चुनाव 2019 है इसको टोटल 7 चरणों में कराया जाएगा और ये आपका जो है 11 अप्रैल को इसका प्रथम चरण होगा और इसका जो 7वां चरण है आपका 19 मई को कराया जाएगा। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका चुनाव आयोग है इसने लोकसभा की कुल 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव की घोषणा की है और ये आपका 11 से लगा है 19 मई तक होगा, ठीक है। और ये आपका होगा पूरी डिटेल में बता देता हूँ। देखिए एक खास बात और है, जो आपका ये चुनाव होगा ये आपका 19 मई को समाप्त होगा और 23 मई को जो है लोकसभा चुनाव 2019 का रिजल्ट आएगा। और देखिए खास बात इस बार की यह है कि इस बार जो है इस लोकसभा चुनाव के साथ 4 अन्य राज्यों का चुनाव भी कराया जाएगा और ये राज्य कौन कौन से हैं इनके नाम एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए ये राज्य आपके हैं सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा। तो आपको फिर से बता देता हूँ, देखिए लोकसभा चुनाव 2019 के साथ साथ में 4 अन्य राज्यों सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी जो है साथ ही में कराए जाएंगे। और देखिए इसके बारे में अगर आप और डिटेल लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो पेज है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। देखिए बता देता हूँ आपको, देखिए जो पहला चरण का चुनाव होगा लोकसभा का इसमें 20 राज्यों को सम्मिलित किया जाएगा और 20 राज्यों के 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा 11 अप्रैल को। दूसरे चरण में 13 राज्यों के 97 सीटों पर मतदान होगा 18 अप्रैल को। तीसरे चरण में 14 राज्यों के 115 सीटों पर मतदान होगा 23 अप्रैल को और चौथे चरण में 9 राज्यों के 71 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा और पांचवें चरण में 7 राज्यों के 51 सीटों पर 6 मई को मतदान कराया जाएगा। छठे चरण में 7 राज्यों के 59 सीटों पर 12 मई को मतदान कराया जाएगा और सातवें चरण में यानी कि आखिरी चरण में 8 राज्यों के 59 सीटों पर 19 मई को मतदान कराया जाएगा।
और इसके बाद फिर 23 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 23 मई को आपका पता चल जाएगा आपको कि अगली सरकार किस पार्टी की बन रही है। तो ये जानकारी थी लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिए। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस लोक गायिका को महाराणा मेवाड़ सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश की ये लोक गायिका हैं मालिनी अवस्थी। तो फिर से बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो लोक गायिका हैं मालिनी अवस्थी जी, इनको महाराणा मेवाड़ सम्मान से सम्मानित किया गया हाल ही में। और देखिए खास बात है कि इन्हीं ये सम्मान महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध न्यासी अरविंद सिंह मेवाड़ के द्वारा 37वें वार्षिक सम्मान समर्पण समारोह 2019 में प्रदान किया गया। और देखिए खास बात जो आपका ये है कि जो आपका ये महाराणा मेवाड़ सम्मान है, ये जो है ये अलंकरण समाज में शैक्षिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए दिया जाता है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। और देखिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में 10 मार्च को इथियोपियन एयरलाइंस का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो देखिए इस विमान का नाम है बोइंग 737-8 मैक्स विमान। और देखिए इस विमान का नाम सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, क्योंकि अगर जितनी भी पुरानी दुर्घटनाएं, मतलब आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, तो जितनी भी विमान दुर्घटनाएं हैं उनके बारे में डिटेल में पूछा था कि किस विमान का दुर्घटना हुआ, कहाँ पर हुआ, वो किस एयरलाइन से संबंधित था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको सरल शब्दों में याद रखना है कि 10 मार्च को इथियोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737-8 मैक्स विमान जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और इस विमान में 35 देशों के 149 यात्री सवार थे, और इनमें जो है 4 भारतीय भी शामिल हैं। देखिए जो आपको इथियोपिया है इसकी राजधानी है अदीस अबाबा, और अदीस अबाबा में स्थित आपका है बोल हवाई अड्डा। तो अदीस अबाबा के बोल हवाई अड्डा से इस बोइंग 737-8 मैक्स विमान ने उड़ान भरी थी सुबह 8:38 पर, लेकिन उड़ान भरने के 8 मिनट बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 35 देशों के 149 यात्री मारे गए। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाएंगी। खास तौर से इस विमान का नाम, जिसका नाम है बोइंग 737-8 मैक्स विमान, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। और देखिए जो आपकी इथियोपिया, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए इथियोपिया जो है आपका एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, और इसकी कैपिटल है अदीस अबाबा, और इथियोपिया की करेंसी यानी कि मुद्रा है इथियोपियन बिर। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की लागत से देश में बंद पड़े 50 हवाई अड्डों एवं एयर स्ट्रिप के विकास के लिए मंजूरी दी है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 4500 करोड़ रुपए। तो इस चीज़ को सरल शब्दों में बता रहा हूँ, दिमाग में फिट कर लीजिए। देखिए बिहार में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टोटल 4500 करोड़ रुपए की लागत से देश में बंद पड़े 50 हवाई अड्डों एवं एयर स्ट्रिप के विकास के लिए मंजूरी प्रदान की है। और देखिए छठा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में संक्रामक रोग एड्स की रोकथाम में मिली सफलता को देखते हुए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो देखिए ये वर्ष आपका है 2020, और ये डेट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फिर से बता देता हूँ, देखिए बिहार में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संक्रामक रोग एड्स की रोकथाम में मिली सफलता को देखते हुए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को वर्ष 2020 तक जारी रखने के लिए जो है मंजूरी प्रदान की है। और एक खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसके लिए 6,434 करोड़ रुपये व्यय करने का निर्णय भी लिया गया है। और देखिए एड्स के बारे में आप जानते होंगे, ये एक वायरस, इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है, इसके कारण होता है। और एड्स का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया। देखिए एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो HIV जो है एक वायरस का नाम है, और इसके कारण क्या होता है, एड्स नामक बीमारी होती है, और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। आप इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी आधारित 660 मेगावाट की 2 बिजली उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो देखिए ये राज्य आपका है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में ये दोनों बिजली संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो फिर से बताता हूँ सरल शब्दों में, देखिए बिहार में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी आधारित 660 मेगावाट क्षमता वाली 2 बिजली उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और देखिए आठवां प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अनिल कुंबले। अनिल कुंबले जो है ये भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान रह चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, और देखिए इनको टोटल 3 सालों के लिए जो है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है इसके क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए इनके बारे में खास बात यह है,
देखिए जो आपके अनिल कुंबल हैं ये इससे पहले भी आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2012 में अनिल कुंबले को आईसीसी क्रिकेट समिति का सदस्य बनाया गया था और फिर साल 2013 में इन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान जिनका नाम है अनिल कुंबले, इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। और देखिए आईसीसी के बारे में जान लीजिए, देखिए आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डेव रिचर्डसन और इसके चेयरपर्सन हैं शशांक मनोहर और आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई यूएसए में। और देखिए बयाली में आईसीसी का हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा गया था। तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में। और नौवां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को ओडिशा का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया। तो देखिए ओडिशा के पहले लोकायुक्त अपॉइंट हुए हैं अजीत सिंह। और देखिए अजीत सिंह कौन है, देखिए अजीत सिंह जो है ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो फिर से बताता हूँ सरल शब्दों में, देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है अजीत सिंह, इनको अभी हाल ही में ओडिशा का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। और देखिए ओडिशा के बारे में बता देता हूँ पर डिटेल में, देखिए ओडिशा जो है ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और ओडिशा के राज्यपाल हैं वर्तमान में गणेशी लाल जी और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। और देखिए ओडिशा जो है ये कितने राज्यों का सीमा बनाता है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ओडिशा कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है इंडिया में और ओडिशा जो है ये सीमा ही बनाता है पश्चिम बंगाल के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और आंध्र प्रदेश के साथ। और दसवां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर को भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो देखिए भारतीय वायुसेना के ये विंग कमांडर हैं अभिनंदन वर्धमान। तो फिर से बता देता हूँ, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को हाल ही में भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है और इनके बारे में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी चर्चा में थे बिहारी में। और देखिए एक खास बात है कि जो आपका ये भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार सम्मान है, ठीक है, ये इसी साल स्टार्ट किया गया है अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति के द्वारा। तो इसीलिए जो आपके अभिनंदन वर्धमान है ये इस पुरस्कार को यानी कि भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार को पाने वाले जो है ये पहले व्यक्ति भी होंगे। तो इसीलिए आपके एग्जाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और देखिए जो आपके अभिनंदन वर्धमान है इनको पुरस्कार स्वरूप क्या क्या दिया जाएगा, देखिए भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार स्वरूप अभिनंदन वर्धमान को 251,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी, साथ ही एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और देखिए इनको ये पुरस्कार जो है ये 17 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रदान किया जाएगा। तो ये खास बातें आपको याद रखनी है, सबसे पहले क्या रखना है कि जो आपका भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार 2019 है ये प्रदान किया जाएगा अभिनंदन वर्धमान को, और ये कौन है इनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये जो है पहले व्यक्ति होंगे जिनको ये भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, ये खास चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे एशिया ओलंपिक परिषद यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं शेख अहमद अल फहद अल सबाह, जो कि आपका कुवैत कंट्री, ठीक है, तो कुवैत के एक शेख हैं। तो फिर से बता दूं कि जो आपके ये कुवैत के शेख हैं शेख अहमद अल फहद अल सबाह, इनको एशिया ओलंपिक परिषद यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का फिर से अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और देखिए कुवैत को जो ये शेख हैं अहमद अल फहद अल सबाह, इनका कार्यकाल जो है ये 2024 तक यानी कि टोटल 5 सालों तक रहेगा। तो ये खास चीज़ याद रखिएगा और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। और देखिए जो आपका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बारे में जान लेते हैं, देखिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है आपका गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट का यानी कि खेलों का एशिया में, ठीक है। और देखिए मैंने ये चीज़ तो बताई दी है कि अभी हाल ही में जो आपके अहमद अल फहद अल सबाह हैं ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। और देखिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है कुवैत सिटी कुवैत में, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 की गई थी और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के टोटल 45 मेंबर्स हैं, ठीक है, 45 जो आपके एशियन कंट्रीज हैं उनकी नेशनल ओलंपिक कमिटीज जो हैं इसकी सदस्य हैं। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है इसका मोटो है एवर ऑनवर्ड। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बारे में। तो ये थे आपके आज के सभी करंट अफेयर और अब हम बात करते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है हाल ही में किसे WHO की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया है, इसका उत्तर बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत का नया वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, इसका आंसर बताइए।
और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के मरयूर गुड़ को भौगोलिक संकेतक के रूप में टैग किया गया है, इसका उत्तर बताइए। देखिए इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में डिटेल में बताया था, तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा। और देखिए अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक संयुक्त समुद्री निरीक्षण प्रणाली यानी कि मैरी टाइम सर्विलेंस सिस्टम स्थापित करने के लिए समझौता किया है, इसका उत्तर बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि वर्ष 2018 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया जाएगा, इसका आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हो तो इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।